तो चलिए स्टार्ट किया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन, सेल्डम और एवर पढ़ाया था ना कंजंक्शन, वही है। क्या होता है कंजंक्शन? हाँ, दो ही वर्ड कंजंक्शन है, या तो होगा सेल्डम के साथ अगर इफ है तो एवर होता है, और अगर सेल्डम के साथ और है तो फिर होगा नेवर। तो अब हमें बताया कि इफ होगा तो एवर लिखेंगे और है तो नेवर, तो किस पार्ट में एरर बताएंगे, ए या बी? ऑफ कोर्स बी, क्योंकि यहां तक तो कोई ग्रामर गलत है, यहां तक मैं यहीं तक रख दूं इसे, तो जब तक आपने अगला नहीं देखा तब तक आप बता पाएंगे कि उसमें गलती है कि नहीं, नहीं ना? तो इसलिए इसका आंसर आपका, इस सेंटेंस का आंसर बी है, आपको एवर को हटाकर यहां करना होगा नेवर, एवर हटाकर नेवर का प्रयोग करिए, एवर को हटाकर नेवर का प्रयोग करें। एवर को हटाकर नेवर का प्रयोग करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर टू, द ऑफिसर वॉज डाउटफुल, द ऑफिसर वॉज डाउटफुल इफ सम ऑफ द क्लर्क्स ऑफ हिज ऑफिस वर इन्वॉल्व्ड इन ब्राइबरी। द ऑफिसर वॉज डाउटफुल इफ सम ऑफ द क्लर्क्स ऑफ हिज ऑफिस वर इन्वॉल्व्ड इन ब्राइबरी। बताइए भाई, स्क्रीन क्यों नहीं आ रही है? सही है गलत है? सही होगा ना? देखिए हमने लिखा था कि डाउट हो या फिर डाउटफुल हो, उसके साथ यूज करिए इफ या वेदर। कौन से वाक्यों में? पॉजिटिव सेंटेंस में। अगर वाक्य पॉजिटिव है तो इफ या वेदर का ही प्रयोग करते हैं डाउट या डाउटफुल के साथ। ये कौन सा सेंटेंस है? ऑफिसर वॉज डाउटफुल पॉजिटिव सेंटेंस है ना, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में नॉट चाहिए, तो यहां तो कोई नॉट आउट है नहीं, तो अगले पार्ट में हमें इफ या वेदर चाहिए, तो इसमें तो इफ ठीक ही चलना है, तो इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, नो एरर आंसर होगा इसका। सेकेंड का क्वेश्चन का आंसर नो एरर है। हिंदी सुन लीजिए, ऑफिसर को संदेह था कि कुछ क्लर्क जो थे उसके ऑफिस के वो घूस लेने में शामिल थे। ऑफिसर को इस बात का संदेह था कि उसके ऑफिस के कुछ क्लर्क जो थे घूस लेने में शामिल थे। तो डाउट डॉट बी के साथ इफ या वेदर कुछ भी लिख सकते हैं अगर सेंटेंस पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट आइए, बिकॉज ही हैज बीन इल फॉर अ मंथ सो ही डज नॉट कम टू द ऑफिस। बताइए भाई। हाँ, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं रूल कि बिकॉज हो या फिर सिंस हो या फिर एज हो, इसके साथ आप सो, दस, हेंस, इन सबों का प्रयोग आप नहीं कर सकते। बिकॉज सिंस एज के साथ सो, दस, हेंस, देयरफॉर भी लिख सकते हो, वो सब कभी नहीं आता। तो यहां तो आप बिकॉज लिख चुके हैं, तो सी पार्ट में आप सो को हटा दीजिए, सी पार्ट से यहां पे सो जो है उस शब्द को हटा देंगे, क्योंकि बिकॉज सिंस एज के बाद सो का प्रयोग नहीं हो सकता, दस, देयरफॉर ये सब नहीं आते हैं। तो इसका हिंदी हो गया, चूंकि वह एक महीने से बीमार है इसीलिए वह ऑफिस नहीं आता है, चूंकि वह एक महीने से बीमार है इसीलिए वह ऑफिस नहीं आता है, तो सी ऑप्शन आपका। नेक्स्ट है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन, एज सुन एज द प्यून रिंग्स द फर्स्ट बेल देन ऑल स्टूडेंट्स असेंबल ऑन द ग्राउंड फॉर प्रेयर। एक्चुअली अधिकतर क्वेश्चन है इसमें बैंक के पीओ, बैंक पीओ का प्रीवियस ईयर में है,
क्योंकि ई ऑप्शन हमेशा बैंक में ही आते हैं, एसएससी में हमेशा डी ऑप्शन तक होता है, ये अधिकतर बैंक पीओ का मतलब जो पुराना क्वेश्चन है। कौन सा रहेगा भाई? आप पढ़ चुके हैं, अगर आप नो सुनर लिखते हैं तो इसके साथ कंजंक्शन आती है देन, और नो सुनर का ही सिनोनिम होता है एज सून एज, तो एज सून एज लिखते हैं तो आना चाहिए कॉमा। नो सुनर लिखेंगे तो देन लिखिए, एज सून एज लिखेंगे तो कॉमा। हिंदी दोनों का एक ही होता है, ज्यों ही त्यों ही, दोनों का हिंदी होता है तुरंत तुरंत, तो यहां तो आपने लिख दिया है एज सून एज, तो एज सून एज के साथ सिर्फ कॉमा आता है, देन का प्रयोग कभी भी नहीं करते, मतलब इसका आंसर आपका बी है, इसका आंसर आपका बी होगा। नहीं हो रहा, इसे टी एच ई एन को हटा दीजिए, क्योंकि एज सून एज के साथ सिर्फ और सिर्फ कॉमा चलता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, ही नॉट ओनली कम्स हियर फॉर शॉपिंग बट ऑल्सो फॉर हैविंग अ ग्लिम्स ऑफ द एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल सेल्स गर्ल्स। बैंकिंग का ये सब है, क्या होगा? हमने बात की थी कि नॉट ओनली बट ऑल्सो हमेशा एक जैसे चीजों को जोड़ने का कार्य करता है, तो देख लीजिए यहां पे बट ऑल्सो के बाद क्या लिखा हुआ है, और हैविंग मतलब फोर प्लस आईएनजी, तो हमें नॉट ओनली के बाद भी फोर प्लस शॉपिंग यहां पे चाहिए, होना चाहिए था ही कम नॉट ओनली, ये होना चाहिए था, ऐसा होना ये चाहिए था ही कम्स हियर, अब आना चाहिए था नॉट ओनली। अब देखिए इसके बाद ठीक चलेगा, इसके बाद जैसे लिखा है फॉर शॉपिंग बट ऑल्सो फॉर हैविंग, तो ये होना चाहिए क्योंकि बट ऑल्सो के बाद फोर प्लस आईएनजी है, तो नॉट ओनली के बाद भी फोर प्लस आईएनजी होगा। तो अब मुझे ये बताना है कि एरर किस पार्ट में है, ए या बी? ए, ऑफकोर्स इसका आंसर होगा ए, कहां जाएगा उससे मतलब नहीं है, बट कहां गलत है वही आपका आंसर होता है। नॉट ओनली को ए पार्ट में नहीं होना चाहिए था, नॉट ओनली को होना चाहिए था बी पार्ट में फोर के पहले, तो इसलिए इसका आंसर है ए। जहां गलत लिखा होता है वही आपका आंसर होता है, कहां लिखना है इसे आपको लेना देना नहीं है, बट वहां नहीं होना चाहिए। कंजंक्शन में ज्यादातर यही गलती होता है, जानता सब है बट किस पार्ट में बताना यही प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए इसका आंसर ए होगा, नॉट ओनली वहां नहीं होना चाहिए, जैसे होगा मैंने लिख दिया आपका सही, लेकिन एग्जामिनेशन में आपको वो नहीं बोलता कि सही लिखिए, वो तो ये पूछता है कि किस पार्ट में सिर्फ ए बी सी डी में गलत बताइए, तो हमें गलती पता है ए पार्ट में वो नहीं होना चाहिए, मतलब है कि कम सीयर के बाद नॉट ओनली आना चाहिए था। हिंदी हो गया, वह यहां सिर्फ शॉपिंग के लिए ही नहीं आता है बल्कि सुंदर लड़कियों का झलक देखने के लिए भी आता है। अजीब आदमी है भाई, ये तो रोजमर्रा की बात हो गई आम आदमियों की। तो चलिए नेक्स्ट, नंबर सिक्स था ये, हार्डली हैड ही कम आउट ऑफ द बस देन, पढ़ चुके हैं ना, हार्डली स्कार्सली के साथ सिर्फ और सिर्फ वेन या बिफोर का प्रयोग करते हैं, तो आ तो गया हार्डली है तो हमें देन नहीं चाहिए, तो इसका आंसर तो आपका सी होगा। देन को हटाकर क्या लिखेंगे? When, then के स्थान पे लिख लीजिए when, क्योंकि hardly scarcely के साथ या तो when लिखा जाता है या फिर before लिखिए, तो then को हटाकर when कर दीजिए, then को हटाकर when लिखिए, क्योंकि formula भी याद होगा, लिख देता हूं, नहीं याद है तब भी, hardly हो या scarcely हो एक ही अर्थ होता है, इनके साथ आप या तो when लिख सकते हैं या तो बिफोर, लेकिन अच्छा कौन सा ज्यादा होता है? वेन। हाँ, हार्डली स्कार्सली के साथ वेन बिफोर दोनों सही है, लेकिन जब चुनना पड़े कोई एक को चुनिएगा तो वेन अच्छा इंग्लिश है। हिंदी होता है बड़ी मुश्किल से के, बड़ी मुश्किल से के, तो हार्डली लिखा है तो वेन नहीं लिखिए, वेन लिखिए। सिंपल सा रूल समझिए,
देन किसी के साथ भी नहीं आता, टी एच ई एन किसी के साथ भी नहीं आता, देन हमेशा अकेला रहता है, टी एच ई एन हमेशा अकेला, वो किसी के साथ नहीं हो सकता। नेक्स्ट, आई डोंट नो इफ एनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्टी इज कंस्पायरिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और नॉट। बताइए भाई, क्वेश्चन लीजिए। क्योंकि याद नहीं आई सर, कंजंक्शन सबसे आसान चैप्टर है, आपको याद दिला दूं अभी याद आ जाएगा। ये देखिए क्या पढ़ाया था, वेदर के साथ और, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, और दिख रहा है, तो और है तो इफ होगा, इफ के साथ और तो कभी हो ही नहीं सकता, और वहां पे वाक्य में और लिखा है, तो इसलिए इसका आंसर आपका बी है। इफ हटाइए, इफ के स्थान पे कर दीजिए वेदर, इफ के स्थान पे आपको वेदर लिखना होगा, इफ के साथ कभी भी कोई कंजंक्शन नहीं लिखा जा सकता। अब ये मत करिएगा कि सर और नोट को ही काट के हटा देते हैं, तो ऐसा नहीं होता, ऐसे लॉजिक नहीं बनाया जा सकता। तो इसका हिंदी सुनिए, मुझे नहीं पता है कि पार्टी के कुछ जो सदस्य वो शामिल है राष्ट्रपति के खिलाफ षड्यंत्र में या नहीं। मुझे नहीं पता कि पार्टी के कुछ सदस्य राष्ट्रपति के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल है या नहीं, तो आगे और है इसलिए आपको इफ हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट है ये भाई, मेनी ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर सो, ये क्या लिख दिया यहां पे, तो मिस पे रेवर्ड होता है, वर्ड होता है आर ई वी ई आर ई डी, रेवर्ड मतलब मैंने लिखवाया भी होगा आदरणीय, रेवर्ड मतलब आदरणीय, रिस्पेक्टेड, क्वेश्चन भी मैंने ऐसा ही एक लिखवाया था। हाँ हमने ये तो स्पेलिंग थोड़ा इसका ठीक कर दीजिएगा, एन हटाना चाहिए था, हटा दिया। रूल हमने पढ़ा था कि एस के साथ एस या फिर सो के साथ एस, एज एस कौन से वाक्य में आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, सो एस किस में आता है, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव में, एज एस का प्रयोग पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में कर सकते हैं, सो एस का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव में। तो ये सेंटेंस कौन सा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव है ना। अधिकतर जो हमारे संस्थापक सदस्य हैं, हमारे संविधान के जो संस्थापक सदस्य अधिकतर जो है वो उतने ही आदरणीय है जितने कि अंबेडकर जी हैं, भले ही उनसे ज्यादा क्यों ना हो। तो यहां तक देखेंगे, वो तो इफ के बाद एक नया सेंटेंस है, क्योंकि इफ कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद एक नया सेंटेंस है, तब उससे लेना देना नहीं है। इस पार्ट में तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो पॉजिटिव सेंटेंस में आपको ये आंसर आपका नहीं, नहीं इसमें तो दोनों गलत लिख दिया है। हाँ ठीक तो है, सो को हटाकर एस करिए, क्योंकि एस यहां पर है। तो हमारे अधिकतर जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले सदस्य हैं से वो उतने ही आदरणीय हैं जितना कि अंबेडकर जी हैं, भले ही उनसे ज्यादा ना हो। ये जो सेंटेंस है ना अंबेडकर जी तक है, उसके बाद एक नया सेंटेंस स्टार्ट हुई है, तो हमें इस सेंटेंस में देखना है कि ये सेंटेंस पॉजिटिव या नेगेटिव। तो अंबेडकर जी तक तो पॉजिटिव लिखा गया है, तो पॉजिटिव सेंटेंस में हमेशा एज एस चाहिए, एज रेवर्ड एज अंबेडकर, फाउंडिंग फादर्स मतलब संस्थापक सदस्य। एट नंबर क्वेश्चन पॉजिटिव सेंटेंस है, ध्यान रखिएगा, इसलिए एज एस आया। नेक्स्ट नंबर नाइन, दिस इज नॉट सच अ मेजर प्रॉब्लम विच कैन नॉट बी सॉल्व विथ अ लिटिल एफर्ट। सीधा चलो ये समझिए, यहां पे सच लिखा है, हाँ सच के साथ क्या आता है, दैट, जैसे सो के साथ दैट आता है, सच के साथ भी दैट एक ही जैसा होता है आसपास।
सच दैट का हिंदी है ऐसा के, सच दैट का दोनों का हिंदी लिख लीजिए, अलग अलग होता है, अपने आप समझ जाएंगे। सच दैट का हिंदी है ऐसा के, जैसे सो दैट होता है वैसे ही सच दैट है लगभग। सच एज का हिंदी लिख लीजिए ऐसा जैसा के, इसमें जैसा भी जुड़ता है। सच दैट का हिंदी है ऐसा के, सच दैट का हिंदी था ऐसा के, सच एज का हिंदी है ऐसा जैसा के। इसका हिंदी आइए ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि उसे थोड़ा सा मेहनत से सॉल्व ना किया जा सके। यहां पे ऐसा किया, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि हम इसे मेहनत करके सॉल्व ना कर सके। तो बस इतना नहीं भी याद है ना, तो एक चीज और ध्यान रखिए, एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। जब भी सच लिख दे ना, तो उसके साथ हु, विच, व्हाट, एग्जाम में यही देंगे आपको हमेशा। नहीं हो सकता है किसी भी तरीके से सच के साथ हु, विच, व्हाट, ये सब का प्रयोग नहीं होता। एग्जाम में हमेशा वही भर भर के देते हैं क्वेश्चन में। तो हमें तो दिख रहा है कि सी ऑप्शन है, सी आंसर आपका सही है। विच को हटाकर दैट करिए, विच के स्थान पे लिखिए, विच को हटाकर दैट का प्रयोग करिए। दिस इज नॉट अ मेजर प्रॉब्लम, सच अ मेजर प्रॉब्लम दैट कैन नॉट बी सॉल्व विथ अ लिटिल एफर्ट। ये ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि इसे हल्का प्रयास से सॉल्व ना किया जा सके। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट, ही नंबर 10, ही आस्क्ड मी दैट और व्हाई। किसी भी कंजंक्शन के पहले एंड या दैट का प्रयोग नहीं करते हैं। रूल कहता है डोंट यूज एंड, एंड और दैट, ये दोनों है, यही दोनों से होती है। डोंट यूज एंड और दैट बिफोर एनी कंजंक्शन, ये रूल है। डोंट यूज एंड और दैट बिफोर एनी कंजंक्शन, लाइन के ये सब क्वेश्चन है। हाँ, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नरेशन में भी बहुत हेल्प करता है। एक्चुअली नरेशन से इसमें हेल्प मिलता है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप नरेशन पढ़ते हैं। हिंदी लिख लीजिए, किसी भी कंजंक्शन के पहले एंड या दैट का प्रयोग ना करें। किसी भी कंजंक्शन के पहले एंड या दैट का प्रयोग ना करें। किसी भी कंजंक्शन के पहले एंड या दैट का प्रयोग ना करें। किसी भी कंजंक्शन के पहले एंड या दैट का प्रयोग ना करें। एक और तरीका समझा देता हूं जिससे कि आसान होगा। देखिए, एक और तरीका है, कोई भी डब्ल्यू एच कुछ भी आ जाए उसके पहले एंड या दैट मत लिखिए। डब्ल्यू एच मतलब क्या, जितने भी डब्ल्यू एच वाले हो सकते हैं, वेन, वॉट, वेयर, वाई, हूज, होम, और एक्स्ट्रा आ जाता है हाउ। हाउ डब्ल्यू एच का व्यक्ति है, तो वेन, वॉट, वेयर, हूज, होम, हाउ, इन सबों के पहले एंड और दैट नहीं आती है। इससे तो आप बना सकते हैं, बहुत तरीके, आप कोई भी तरीके से आप बना सकते थे। तो बताइए भाई, ये रहा, देख लीजिए, डब्ल्यू एच है उसके पहले उन्होंने दैट लिखा है, तो आंसर आपका बी है। दैट को आपको हटा देना है, दैट को हटा दीजिए। और वैसे भी अगर ना भी होना, तो एक और तरीका, इससे आस्क के बाद दैट कभी नहीं होता है, आस्क के बाद दैट कभी नहीं लिखा जा सकता किसी भी तरीके से। बहुत तरीके आप जैसे बनाइए, एक तो हो गया कि डब्ल्यू एच के पहले एंड दैट नहीं लिखते हैं, या फिर ये याद कर लिए कि आस्क के बाद कभी भी दैट नहीं हो सकता है।
आज के बाद दैट नहीं हो सकता, उससे बना लीजिएगा। नेक्स्ट आइए, ही इज अ परफेक्शनिस्ट, सॉरी एज ही इज, अभी अभी पढ़ा हमने कि बिकॉज सिंस एज के बाद सो दस हैंस देयरफॉर का प्रयोग नहीं कर सकते। तो चूंकि यहां पे एज लिखा हुआ है इसलिए सी पार्ट में एरर, तो आपका सी है, सी है, सो को हटा दीजिए, सी पार्ट से सो को हटा देना है। तो बिकॉज सेंस एज के बाद सो द सेंस देयरफॉर का प्रयोग ना करें। हिंदी, चूंकि वह एक परफेक्शनिस्ट है इसीलिए वह रेगुलर प्रैक्टिस के लिए जोर डालता है, मतलब चूंकि उसे सब कार्य में परफेक्शन चाहिए इसीलिए वह रेगुलर प्रैक्टिस पे इंसिस्ट, मतलब जोर डालना, आग्रह करना। ये तो अभी अभी रूल पढ़ा थी सर, जरूरत नहीं लिखने का, उसे पहले भी तो पढ़ ही चुके हैं। चलिए क्वेश्चन, ऑल्दो दीज रूम्स आर इन नीड ऑफ रिपेयर बट द ओनर डज नॉट टेक एनी नोटिस ऑफ देयर कंडीशन। ऑफकोर्स आप ऑल्दो लिखिए या फिर दो लिखिए, दोनों एक ही होता है। यद्यपि ऑल्दो या दो के साथ सिर्फ और सिर्फ या तो आप यट लिख लीजिए या फिर कॉमा लिख लीजिए। ऑल्दो दो के साथ यट या कॉमा का ही प्रयोग किया जाएगा। ऑल्दो दो के साथ यट या कॉमा लिखिए। हिंदी क्या था इसका? यद्यपि फिर भी, इसका हिंदी था यद्यपि फिर भी। तो आपने यहां ऑल्दो तो लिख दिया है, तो उन्होंने बट लिखा है सी पार्ट में, तो सी पार्ट में बट को हटा दीजिए, सी पार्ट में से बट को हटा दीजिए। कॉमा तो है ही, इसलिए जरूरत नहीं कुछ लिखने की आपको। देखिए ना, बट के पहले रिपेयर के बाद क्या लिखा है, कॉमा, ठीक है ना। इस पार्ट में अब यट लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इतना है, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है यही आता है, ऑल्दो दो के साथ वो बट लिख के पूछते हैं, जनरली ऑल्दो दो के साथ बट नहीं कर, आप एग्जाम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, ही सजेस्टेड टू मी दैट आई शुड डू ऑल द वर्क एज क्विकली लाइक हिम। आज ही पढ़ा आपने एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, और वैसे भी तो लिखा था एज एज सो एज होता है। आपने आगे भी पढ़ा था ना, इससे पहले एक क्वेश्चन आया था कि पॉजिटिव सेंटेंस में एज एज और नेगेटिव सेंटेंस में सो एज, तो वही वाला है, बीच में एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देख लीजिए यहां पर एज लिखा हुआ है, तो यहां पे लाइक लिखा है, तो डी पार्ट में लाइक को अगर कर दीजिए एज, लाइक के स्थान पे एज का प्रयोग कर लीजिए, एज क्विकली एज हिम। तो उसने मुझे सलाह दी थी कि मुझे सभी कार्यों को उतना ही तेजी से करना चाहिए जितना कि वह करता था। तो उसने मुझे सलाह दी थी कि मुझे और सभी कार्यों को उतना ही तेजी से करना चाहिए था जितना कि वह करता था। एज के साथ लाइक मत लिखिए कभी भी। नेक्स्ट आइए भाई, ही वॉज सो क्लेवर दैट एवरीबडीज अटेम्प्ट टू मिसगाइड हिम प्रूव टू बी फुटाइल। ही वॉज सो क्लेवर दैट, 14 नंबर, ही वॉज सो क्लेवर दैट एवरीबडीज अटेम्प्ट टू मिसगाइड हिम Prove to be futile। हिंदी सुनिए, वह इतना चालाक था कि, वह इतना चालाक था कि उसे धोखा देने की जो कोशिश की गई थी वह व्यर्थ हो गया था। तो इतना की, तो हम इतना की के लिए तो पढ़ चुके हैं, सो दैट, और ये तो दिखी रहा है सो लिखा, और उसके बाद दैट है, वह इतना चालाक था कि
सभी लोगों का प्रयास कि उसे धोखा दिया जा सके वह असफल हो गया था। इसलिए इस सेंटेंस में आपका आंसर में ई फॉर इंग्लैंड, नो एरर है, कोई गलती उसमें नहीं है। फुटाइल मतलब होता व्यर्थ, फुटाइल मतलब व्यर्थ, यूजलेस। तो वह इतना चलाक था कि सभी लोगों का प्रयास कि उसे धोखा दिया जा सके वह व्यर्थ हो गया था, तो कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट आइए 15। नॉट ओनली हैज ही बिल्ट अ हॉस्पिटल फॉर द पुअर बट ही हैज ऑल्सो बिल्ट एंड, देख लीजिए। अच्छा बट ऑल्सो के बाद क्या लिखा है, बट ऑल्सो के बाद बिल्ट यहां बट ऑल्सो, बट वहां ऑल्सो है, बट ऑल्सो के बाद क्या लिखा है, बिल्ट नॉट ओनली के बाद क्या लिखा है, हैज। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो हमेशा सेम चीजों को जोड़ने का कार्य करता है, तो क्या करें, ए पार्ट में ठीक करिए भाई। देखिए नॉट ओनली के बाद हेल्पिंग वर्ब है और बट ऑल्सो के बाद मेन वर्ब है, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो हमेशा सेम चीजों को जोड़ता है। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो दोनों जगह हेल्पिंग वर्ब, और अगर मेन वर्ब है तो दोनों जगह मेन वर्ब, तो ए पार्ट में गलती है। कैसे सही करें, होना यह चाहिए था ही हैज नॉट ओनली, अब आ जाएगा बिल्ट, बट ऑल्सो के बीच में आप लिख सकते हैं, नॉट ओनली के बीच में कभी भी नहीं लिखते हैं। तो आप देख लीजिए नॉट ओनली के बाद डायरेक्ट वर्ब है, बट ऑल्सो में ऑल्सो के बाद देखेंगे आप, तो बट ऑल्सो के बाद भी वहां पर दिख रहा है वर्ब, यहां पर दिख रहा है वर्ब, और यहां पर भी दिख रहा है आपको वर्ब। इसलिए आंसर ए पार्ट में वो सीक्वेंस गलत लिखा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा नॉट ओनली बट ऑल्सो हमेशा एक जैसे चीजों को ही जोड़ेगा। अगर आईएनजी है तो दोनों जगह आईएनजी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म है तो दोनों जगह फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब है तो दोनों जगह हेल्पिंग वर्ब, हमेशा एक जैसा चीजों को ये जोड़ने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट आइए भाई 16। मिसेस सेन टोल्ड मी दैट दो हर सन हैड वर्क हार्ड बट ही फेल्ड टू मेक एनी मार्क इन द लास्ट, जो भी है ऑल्दो दो के साथ कि सिर्फ और सिर्फ यट या कम आती है, तो इस बार उन्होंने यहां पे लिख दिया है ऑल्दो या दो, ऑल्दो या दो कहीं पे भी है उसके बाद हमें यट या चाहिए, सी एरर है, बट को हटाकर आप कर दीजिए यट लिख दो या फिर कॉमा कर दीजिए, एक ही बात है, या तो बट के स्थान पर यट लिख दीजिए वाई ई टी या फिर कॉमा लिख लीजिए। तो 16 का आंसर आपका हो गया सी। नेक्स्ट आइए 17। डॉक्टर सिन्हा वॉज नॉट ओनली सिंपैथेटिक टू द रिच पेशेंट्स बट ऑल्सो टू द पुअर वंस, देख लीजिए नॉट ओनली सब ज्यादा तो नॉट ओनली और हार्डली सही तो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, सबसे ज्यादा क्वेश्चन नॉट ओनली हार्डली और नो सुनर दैन, इन तीनों से प्रीवियस ईयर में कम से कम 50% क्वेश्चन होंगे कंजंक्शन के, तो अभी तक तो दो तीन क्वेश्चन किया है तो अभी सॉल्व करिए। बट ऑल्सो के बाद देखिए क्या लिखा है, टू द पुअर, बट ऑल्सो के बाद प्रीपोशन प्लस नाउन है, तो नॉट ओनली के बाद ही मुझे प्रीपोशन प्लस नाउन ही चाहिए, क्या लिखेंगे, मतलब ये जो नॉट ओनली था ना ये यहां होना चाहिए था सिंपैथेटिक के बाद, ये नॉट ओनली यहां पे होना चाहिए था, नॉट ओनली टू द रिच बट ऑल्सो टू द पुअर, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ये ना, क्योंकि नॉट ओनली तो वहां पे नहीं होना चाहिए, हाँ होना कैसा चाहिए था, होना ये चाहिए था डॉक्टर सिन्हा
अजय द डॉक्टर सिन्हा वॉज सिंपथेटिक, अब आना चाहिए था नॉट ओनली टू द रिच, फिर जो चल रहा है, और बट ऑल्सो के बाद टू द पुअर चल रहा है, इसलिए इसका आंसर यह है नॉट ओनली उस पार्ट में नहीं होना चाहिए था। नॉट ओनली का प्रयोग ए पार्ट में गलत दिया है, वो उसे होना चाहिए था बी पार्ट में, मैंने सही करके लिख दिया है, बट आपको बस आंसर पता होना चाहिए कैसे होना चाहिए। नेक्स्ट है He has not money and he dare not start a factory. 18. देखिए एक रूल होता है, जब भी आप बात करते हैं contrary to expectation, उम्मीद के विपरीत, जब भी आप उम्मीद के विपरीत बात करते हैं तो उसके लिए फिक्स्ड कंजंक्शन आना चाहिए बट का सबसे मेन यही अर्थ होता है, उम्मीद के विपरीत। तो जब भी हम बात करते हैं उम्मीद के विपरीत या अनुमान के विपरीत तो हमें बट का प्रयोग करना चाहिए। एंड और बट में एंड मतलब क्या, जैसा आप सोच रहे हैं जैसा होना चाहिए और वही आगे हुआ तो होता है एंड, जैसा हम सोच रहे हैं ठीक उसका उल्टा हो गया तो होता है बट। तो देख लीजिए भाई, अब इसका एंड भी है, उसके पास बहुत सारा पैसा है, उसके पास बहुत सारा पैसा है। तो अगर किसी के पास बहुत सारा पैसा है तो हम क्या उम्मीद करेंगे उससे, कि वह कुछ नया करेगा, कुछ बिजनेस शुरू करेगा, उम्मीद तो यही है ना, कि अगर हमारे पास बहुत पैसा है तो हम उम्मीद करेंगे, कोई भी हमसे उम्मीद करेगा कि हम कुछ नया बिजनेस या कुछ नया शुरू करेंगे। लेकिन यह उल्टा हो रहा है, उसके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन वह कुछ नया फैक्ट्री खोलने का साहस नहीं कर पाता है। तो पैसा है लेकिन साहस नहीं करता, क्योंकि पैसा हमें साहस देता है, तो ये एकदम उल्टा चल रहा है। उसके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन वह साहस नहीं करता एक नया फैक्ट्री खोलने का, तो इसलिए यहां पे बी पार्ट बेटर है, एंड नहीं होना चाहिए, होना चाहिए था बट। 18 में बट कर दीजिए एंड को हटाकर, बी पार्ट। तो उम्मीद के विपरीत जाएंगे तो बट, उम्मीद के अनुरूप जाएंगे तो एंड। जैसे देखिए ना, एग्जाम्पल्स में आपको समझा देता हूं, एक दो क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन रहा फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा जाए, मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल बट मैन इज मॉर्टल बट ही हैज बट ही हैज टू लीव एवरीथिंग ही हैज टू लीव एवरीथिंग Here, पहला दूसरा क्वेश्चन, मैन इज mortal, मैन इज mortal एंड ही wants टू एंड ही wants टू टेक एवरीथिंग ही wants टू टेक एवरीथिंग विथ him. हाँ, mortal मतलब जिसकी मृत्यु निश्चित है, mortal मतलब जिसकी मृत्यु निश्चित है, नश्वर जिसे बोलते हैं। हिंदी पहले का सुन लीजिए, मनुष्य की मृत्यु निश्चित है
लेकिन उसे सब कुछ यहां पे छोड़ के जाना होगा। ये तो जैसा उम्मीद है वही होगा ना। अगर हम मरते हैं तो हम उम्मीद क्या करेंगे, हम सब कुछ यहीं पे छोड़ के जाएंगे। तो उम्मीद के अनुरूप हो रहा है, क्या होगा एंड। दूसरा क्वेश्चन एग्जाम का ही है, मनुष्य की मृत्यु निश्चित है और वह सब कुछ अपने साथ ले जाना चाहता है, तो ये उम्मीद के अनुरूप है या विपरीत हो रहा है? विपरीत ना, क्योंकि हम उम्मीद क्या करते हैं कि मृत्यु निश्चित है, सब कुछ छोड़ के जाएंगे, लेकिन आदमी चाहता है कि वह सब कुछ अपने साथ ले जाए, तो उम्मीद के विपरीत है। यहां एंड को करेंगे बट। जैसा है हो रहा है वैसा ही होगा, तो एंड। जैसा सोच रहा है उसका उल्टा हो रहा है या उल्टा होने की संभावना है, तो होना चाहिए बट। बट बस इतना ही मेन होता है, उम्मीद के विपरीत है तो बट लिखिए। इसलिए यहां पे एंड को जगह बट कर दिया आपने, बी आंसर था, लिख चुके हैं आप। नेक्स्ट है ये, द न्यूज़मैन वॉज डाउटफुल दैट। आगे आज का ये दूसरा क्वेश्चन, हमने लिखा था कि पॉजिटिव सेंटेंस में डाउट या डाउटफुल के साथ इफ या वेदर आती है, और नेगेटिव सेंटेंस में डाउट या डाउटफुल के साथ दैट आती है। ये कौन सा सेंटेंस है? वॉज डाउटफुल पॉजिटिव है ना, क्योंकि नॉट नहीं जुड़ा तो पॉजिटिव सेंटेंस है, तो पॉजिटिव सेंटेंस है, तो बी पार्ट में गलती है आपका। दैट को हटाकर आपको लिखना चाहिए या तो इफ या फिर वेदर, कोई भी लिख सकते हैं आपकी मर्जी, या तो इफ लिखिए या तो वेदर लिखिए। तो 19 में बी में एरर है, दैट को हटाकर इफ या वेदर करिए। न्यूज़मैन मतलब जो अखबार वाला था, समाचार वाला जो था, उसे संदेह था कि जो व्यक्ति मतलब जो एक गाड़ी के द्वारा कुचला गया था वह वहां एक से अधिक दिनों से पड़ा हुआ था। न्यूज़मैन को इस बात का संदेह था कि जिस व्यक्ति को किसी गाड़ी ने कुचला था वह एक से अधिक दिन से वहां पे पड़ा हुआ था। नेक्स्ट सही भाई, नंबर आ गया आपका 20। अब हमने पढ़ा था कि सच के साथ तो दैट भी होता है और एज भी आता है, लेकिन हिंदी अगर याद करेंगे तभी हो सकता है। सच दैट मतलब ऐसा कि, और सच एज मतलब था ऐसा जैसा कि। तब इसका हिंदी सुनिए, उसकी गलती ऐसा था जैसा कि वह पीड़ा भोगने के लिए बाध्य था। ऐसा जैसा कि उसकी गलती ऐसी थी कि वो तकलीफ झेलने के लिए भोगने के लिए बाध्य था, तो हम ऐसा की चाहते हैं। उसकी गलती ऐसी थी कि वो बाध्य था कि वो तकलीफ झेलेगा और अंततः उसकी बर्बादी होगी। दुम मतलब बर्बादी, विनाश। तो इसलिए सच के साथ यहां पे ऐसे नहीं लिख सकते आप। इसका आंसर तो आपका बी है, आंसर आपका बी होगा, एस को हटाकर दैट करिए, ऐसा कि, एस को हटाकर दैट का प्रयोग करिए। चलिए नेक्स्ट। She was too beautiful to be rejected by, ये तो सब बैंक का पुराना क्वेश्चन है। Very good, I am proud of you, गलत है। जब भी मैं ऐसा बोलूं तो सभी बच्चे समझ जाना कि कुछ, कि हमारे सर भी यही बोलते थे, खुश रहे, I am excellent and you have done and your answer is absolutely wrong। वहां पर दिल टूट जाता था हमारा, वही चीज है, कोई गलती नहीं है इसमें। She was too beautiful to be rejected by any young man who wished to make her his wife. No error होना चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ा था कि टू के साथ टू आता था, है ना, टू के साथ टू आता है, उसी को हम लोग कहते हैं सो दैट। टू टू लिखो या सो दैट लिखो, बात तो एक ही है, लेकिन यही है कि सो दैट आपका
पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में आता था, सो दैट का प्रयोग आप पॉजिटिव में भी कर सकते हैं और नेगेटिव में भी, और टू टू सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव में आता है, ठीक है, तो है टू टू। अब मैंने कहा कि टू टू नेगेटिव में आता था, ये मत खोजना कि नॉट तो है नहीं, टू टू मतलब ही नॉट होता है, उसके अंदर खुद ही नॉट छुपा हुआ है, तो टू टू में नॉट खोज के आना था, क्योंकि टू टू के साथ नॉट कभी नहीं लिखेंगे, क्योंकि टू टू का अर्थ ही होता है उसमें नॉट लिखा हुआ है। इसे आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, आप इस सेंटेंस को चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, शी वॉज सो ब्यूटिफुल दैट नो यंग मैन कैन रिजेक्ट हर, या शी कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाई एनी यंग मैन हु वांट टू मेक हर हिज वाइफ। अगर सो दैट लिखेंगे तो नॉट या ये सब का प्रयोग करना पड़ेगा, टू टू लिखेंगे तो नॉट की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेंटेंस तो ठीक ही चल रहा है, नो एरर है, कोई गलती इसमें नहीं है। नेक्स्ट, ट्वेंटी टू, सिंस दीपावली इज फास्ट अप्रोचिंग माई टीनेजर सन हैज बॉट मेनी फायर वर्क्स एज रॉकेट्स क्रैकर्स एक्सेट्रा ऑल ऑफ विच कॉस्ट मच। सीधा से एक तरीका बता देता हूं, दो तरीके समझिए, एज हमेशा आता है किसके लिए, सब्जेक्ट के लिए, और लाइक हमेशा आता है ऑब्जेक्ट के लिए। सिंपल सा शॉर्टकट ध्यान रखिए, सब्जेक्ट की बात होगी तो एज लिखेंगे, ऑब्जेक्ट की बात होगी तो लाइक होगी। तो इस सेंटेंस में है कि उसका जो टीनेजर सन है उसने रॉकेट्स खरीदे हैं, क्रैकर्स खरीदे हैं, तो अगर मैं लिखूं सिंपल सा एक सेंटेंस, माई सन हैज बॉट, मान लीजिए रॉकेट्स क्रैकर जो भी है कोई भी एक लिख दो, बात एक ही है, माई सन हैज बॉट रॉकेट्स, तो माई सन क्या है इस वाक्य में, सब्जेक्ट हैज बॉट क्या है, वर्ब रॉकेट क्या है इस वाक्य में, ऑब्जेक्ट ना, तो ऑब्जेक्ट के लिए क्या होना चाहिए, लाइक, सब्जेक्ट के लिए हैज होती है, हाँ जी, तो इसमें हैज को हटाकर लाइक करना पड़ेगा रॉकेट के पहले। चलो एक तो ये लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको दो क्वेश्चन लिखा देता हूं जो दोनों एग्जाम में आए, उसे आपको पहचान आएगा। एक और तरीका शॉर्टकट बता दूंगा, कहीं गलत नहीं होगा। ये तो एक बेसिक जो कंसेप्ट है कि लाइक हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए लिखा जाता है और एज हमेशा सब्जेक्ट के लिए। ये लिख लीजिए और आगे मैं एक सेंटेंस से समझा देता हूं दो एग्जाम्पल से। तो जब सब्जेक्ट के तरीके से यूज होगा, और एक आसान तरीका शॉर्टकट बता देता हूं, पहले एग्जांपल भी देता हूं उसमें शॉर्टकट समझ आएंगे, कहीं गलती नहीं होती है। एग्जांपल ये आया हुआ क्वेश्चन है, यू हैव टू डू द वर्क डैश आई डू, वहां पर एज या लाइक से फिल करना है, यू have to do the work dash me, इस तरह क्वेश्चन आए हुए हैं। आपको या तो as लिखना है या तो like लिखना है। रेट दिख नहीं रहा ज्यादा, सीधा से लोग समझिए। एक और सौ तरीके से बता देता हूं आपको, ये हैंग कर रहा है, डायरेक्ट ऐसे होना चाहिए।
देखिए अगर आगे वर्ब दिखे सीधा सा लॉजिक समझिए, अगर आगे कोई क्रिया है तो एस होगी, आगे क्रिया नहीं है तो लाइक होता है, ये कहीं गलत आपका नहीं होगा एग्जाम में, इससे आप बच जाएंगे। अगर आगे कोई वर्ब है तो एज लिखेंगे, अगर आगे कोई वर्ब नहीं है तो लाइक। सेंटेंस में देख लीजिए, एज के बाद देख लीजिए कहीं कोई वर्ब है, रॉकेट्स है, क्रैकर्स है, तो यहां पे तो वर्ब नहीं है, तो अगर आगे वर्ब नहीं है तो लाइक ही है, आगे अगर क्रिया मौजूद है वर्ब मौजूद है तो एज, तो इसमें तो आगे वर्ब है ना डू, तो यहां पे डू मौजूद है तो यहां पे होना चाहिए एज, आगे यहां पे वर्ब मौजूद है नहीं मौजूद है तो आपका होना चाहिए लाइक, इससे बन जाएगा आपके एग्जामिनेशन में। या तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से समझिए या फिर वर्ब नो वर्ब से समझिए, वर्ब मौजूद है आगे कहीं पे भी उस सेंटेंस में तो एज, वर्ब मौजूद नहीं है तो लाइक। नेक्स्ट 23, शायद ऐसा क्वेश्चन आपने किया होगा, क्या है ना, ज्यों ही दार्जिलिंग में विरोध प्रदर्शन शांत हुआ त्यों ही वह असम में शुरू हो गया, इरप्त मतलब भड़कना भी होता है, ज्यों ही विरोध प्रदर्शन, एजिटेशन मतलब क्या आंदोलन, विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन को एजिटेशन कहते हैं, एजिटेशन मतलब धरना प्रदर्शन, ज्यों ही दार्जिलिंग में धरना प्रदर्शन शांत हुआ त्यों ही वह असम में शुरू हो गया था, यह असम में भड़क गया, तो क्या होना चाहिए, मुझे इतना पता है कि नो सुनर के साथ बैन आती है और बैन गायब है वाक्य में, तो क्या किस पॉइंट में है बताइए भाई, बी एस सी, वेरी गुड, तो फिर उस दिन पढ़ाए किस लिए हमने, आंसर सी है, द बोडल एंड के पहले बैन लिखिए, तो जिस दिन पढ़ाता उस दिन आप लोग पूछते नहीं है, हाँ कॉमा से कोई फर्क नहीं पड़ता, अब यही क्वेश्चन दो के साथ आप क्या लिखते हैं, यट या कॉमा, ठीक है, ऑल दो के साथ आप यट लिखते हैं या तो यट लिखे या तो कॉमा, आप ऑल दो के साथ यट कॉमा दोनों लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं, आप दोनों एक साथ लिख दो, ऑल दो आई एम इल यट कॉमा आई विल कम, नो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं तो आप क्या करना चाहते हैं भाई, नो सुनर के साथ इसे पूरा हटाएंगे, एज सुन एज करेंगे, यही चाहते हैं ना, एज सुन एज करना चाहेंगे, दी एजिटेशन इन दार्जिलिंग, फिर उसके बाद साइलेंस जाएंगे, तो क्यों नो सुनर है, इन्वर्जन भी लगा हुआ है, नो सुनर है प्लस हेल्पिंग वर्ब है प्लस सब्जेक्ट है प्लस मेन वर्ब है, और पैसिव में लिखेंगे ना, विरोध प्रदर्शन खुद से साइलेंस किए गए थे, हुआ था या किसी के द्वारा किए गए थे, किसी के द्वारा तो पैसिव भी होगा ना, तो उसका नाम से देखिए ना, वॉज प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म पैसिव है, तो इसीलिए यहां पे द बोडोलैंड के पहले देन लिख दीजिए, सब कुछ तो ठीक लिखा हुआ है, बस देन गायब है उसे लिखना है, हमने लिखा था कि जब नो सुनर के बाद नॉर्मल लिखते हैं, देखिए कैसे आपको कौन सा क्या करना है आप देख लीजिए, दोनों सेंटेंस लिख देते हो, क्वेश्चन अगर आएगा नो सुनर ही रिस्ट कॉमा दे केम, आपको एक इसमें बताना है गलती, दूसरा नो सुनर डिड ही रीच, नो सुनर डिड ही रीच कॉमा दे केम, अरे बताइए, तब देखिए यहां पे नो सुनर भी है सेकेंड में, इन्वर्जन भी चल रहा है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, नो सुनर में हमेशा ऐसे ही लिखते हैं, तो इस बार आपको सेकेंड क्वेश्चन में यहां पे यहां आके लिखना पड़ेगा देन, आप पहला में नो सुनर के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए फिर सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब, तो ये भी गलत है और आगे कॉमा भी गलत है, तो हम क्यों ना पहले में नो सुनर को हटाकर एज सुन एज कर दे, कोई गलती नहीं होगा, यही चीज मैंने आपको उस दिन भी
कंजंक्शन में नो सुनने पढ़ाया था कि दो तरीके हैं, कहां गलती होगा ये आपको डिसाइड करना होगा। तो क्वेश्चन में तो नो सुनर लिखा ही है, हेल्पिंग वर्ब भी लिखा हुआ है, फिर सब्जेक्ट भी है, फिर मेन वर्ब भी है, तो अगले पार्ट में देन गए भाई उसे अर्थ लिखिए। क्वेश्चन में ये वाला आया, सेकेंड नंबर टाइप है क्वेश्चन। क्योंकि नो सुनर और एज सुन एज एक ही शब्द है, लेकिन नो सुनर लिखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब फिर देन, एज सुन एज लिखेंगे तो पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आती है और आगे कॉम आता है। अलग अलग रीच के बाद वहां पे जो है देन होगा सेकंड नंबर क्वेश्चन में, कॉमा हटाकर देन करेंगे। फिर से आप नहीं समझ पा रहे हैं, आपने वो क्रॉस किया था कंजंक्शन का तो फिर कैसे दिक्कत हो गया, नहीं कह रहे थे तो समझता हूं। इसलिए जो जो क्वेश्चन एग्जाम में है ना मैं हाँ क्यों नहीं, आप लिख कॉमा कोई वैल्यू नहीं देता है कहीं पे भी, सीधा समझिए। दो कन्वेंशन ऐसे हैं जिसका कोई वैल्यू नहीं है, एक है कॉमा और एक है एंड। एंड अकेला रहेगा तभी वो पावरफुल होगा जो सब्जेक्ट वर्ब में बताया था। हाँ नहीं भी कटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं हमेशा ओरिजिनल इंग्लिश में जो होता है वो बता रहा हूं। एग्जामिनेशन में जो चाहिए वो एक अलग चीज भी होती है, जबकि रूल है कि ऑल दो के साथ या तो येट लिखिए या तो कॉमा लिखिए, बट एग्जाम में कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे ऑल दो के साथ येट या कॉमा दोनों लिखा हुआ है और उस पार्ट में गलती नहीं है, तो हमें उसी को मानना चाहिए कि कॉमा से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बार तो ये ऐसा, देखिए एक क्वेश्चन और दिखाता हूं आप लोगों को, क्वेश्चन देखिएगा ऐसा था ऑल दो, ये क्वेश्चन है ऑल दो ही वॉज लेट ही स्पोक, ऐसा है एग्जामिनेशन में ऐसा आता है, ए बी सी, और आपको लगता है कि कोई गलती नहीं है तो डी। अब बताइए ऐसा भी क्वेश्चन आपको बाद में जब आप प्रीवियसर करेंगे तो तकलीफदायक चीजें आएंगी। सी है ऑल दो वाला वाक्य कहां तक है, हाँ नया सेंटेंस कहां पे ही से अगले पार्ट में, तो कॉमा यहीं पे चाहिए था। अब वो क्या करते एग्जाम में, कॉमा की जगह अगर ये भी दे दिया जाए तो वो कॉमा का ही काम करता है, तो इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। ये एक और आ गया तकलीफदायक जो आप सॉल्व करेंगे प्रीवियसर में, तो ये चीजें आपके साथ टकराएंगी और वहां पे आपको दुख होगा। जब आपने तो बोला यट या कॉमा आती है तो मैं अभी भी वही बोलता हूं, लेकिन यहां पे नया सेंटेंस शुरू हो रहा है ना, ठीक वहीं पे उसने स्लैश दे दिया, स्लैश दे दिया तो आपको मानना पड़ेगा कि ये कॉमा का काम कर सकता है। हाँ कब कॉमा या येट आता जो आप बोल रहे हैं वो ये आता है, अगर मान लीजिए ये रहता he was late, यहां पे आ गया, नया सेंटेंस की शुरुआत कहां से हुई है ही से, तो यहां तो स्लैश था नहीं, तो अगर अब यहां पे स्लैश या येट मतलब कॉमा या येट नहीं लिखेंगे तो ये ग्रामर गलत है। तो अब यहां कुछ ना कुछ समझ रहे हैं ना, जहां पे होना चाहिए अगर वहीं पे आपका स्लैश कर दिया तो वो कॉमा का काम कर सकता है, इसलिए ये सब चीजों को आपको देखना पड़ेगा। और मजे की बात है कि ये चीज किताब में नहीं लिखा होता है, किताब में सिर्फ ये बोलेगा कि ऑल दो के साथ यट या कॉमा लिखो, ये कहेगा कि नो सुनर के साथ पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट लिखो, लेकिन वो कभी नहीं बताएगा कि नो सुनर के साथ बढ़िया कौन सा होता है, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट, तो कौन सा बेहतर होता है। नो सुनर के साथ पास्ट इंडेफिनिट ज्यादा अच्छी इंग्लिश होती है, तो वो चीजें तो प्रैक्टिस करते करते ही समझ आती है। तो या तो अभी डायरेक्ट मेरा बात सुनकर कर लीजिए या फिर तकलीफ बाद में जब होती है सीखते सीखते सीखेंगे, तब उतना उम्र बचा है किसी के पास, 10 साल तैयारी करनी है, 10 साल मत करिए, जो होगा वो मैं जानता हूं आपके साथ, क्योंकि हो सकता है आपके लिए 10वीं बार हो क्वेश्चन, मेरे लिए कम से कम 700 बार होगा ये क्वेश्चन, हो चुका होगा मेरे सामने से गुजरा होगा पिछले 12-13 सालों में जो मैंने पढ़ाया है, ये कम से कम ऐसे क्वेश्चन 700 बार आए होंगे, क्योंकि मैं सब लगभग 700 के करीब बैच पढ़ा चुका हूं आज के डेट में। पटना में कम पढ़ाता हूं क्योंकि पटना में अलग तरीका है, दिल्ली में मैं एक साथ 30 से 35 बैच में लेकर रखता था, क्योंकि पैरामाउंट में तो सारा एक साथ चलता था ना, मैं पूरा एक कंबाइंड SSC देगा या कंबाइंड बैंक या कंबाइंड
एंड बी ए कंबाइंड सीडीएस, तो कंबाइंड में कोई मैथ पढ़ाएंगे, कोई इंग्लिश, कोई रीजनिंग, तो मुझे 30-40 बैच में एक बार लेकर रखता था, दो तीन महीने के अंदर 30-40 बैच का होना रहा है। तो किसी दिन किसी बैच में एक बार जाऊंगा, सप्ताह में एक बार गया, कभी पांच बार गया, वैसे होता था। तो इसलिए उसको घबराइए नहीं, ये सब चीजें जो होगी वही चीजें मैं बता रहा हूं, क्योंकि दो चीजें होती है ना, एक होता है किताबी ज्ञान, एक होता है एग्जाम में सॉल्व होना चाहिए। आपने जो भी रूल पढ़ाया, आपने को मैंने 15 या 20 जो भी रूल पढ़ाया, उससे आपका दिमाग में कोई भी किताब हो, क्वेश्चन कंजंक्शन का कोई भी किताब क्वेश्चन होगा, उसमें से 90% मिनिमम सॉल्व होना चाहिए, कम से कम 90% आपका होगा। ये नहीं कि आप उसकी करिए, आपको जिस किताब से करना है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कहां का आएगी, एक एक लाइन वाला नया रूल आएगा, जैसे बट है, तो हम बट का मतलब जानते कि हमेशा उल्टा होता है, तो एक नया लाइन आ गया तो उसे हमने लिख लिया, बस उतना ही हो सकता है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हाँ, आई कैन नॉट कंफर्म यू इफ यू हैज पेड द बिल, और आगे और है तो समझ ही गए, वेदर के साथ और आता है, तो इफ के साथ और लिख दिया, मतलब इफ को हटाना पड़ेगा आपको। इसका आंसर आपका बी है, बी में इफ को हटाकर वेदर करिए। घुमा फिरा के अलग अलग चीज लिखता है, लेकिन टाइप तो वही है, खाली शब्द बदल देता है, लेकिन एरर वही होता है। तो सात नंबर क्वेश्चन जो है और 24 नंबर क्वेश्चन लगभग सेम है, 7 और 24 नंबर क्वेश्चन लगभग सेम है, वही टाइप है, बस वहां आई है, यहां पे भी आई है, वहां पे डोंट नो है, यहां पे कंफर्म किया है, तो चीजें वाक्य अलग बनाए लेकिन टाइप वही है, 7 और 24 सेम क्वेश्चन है, मतलब टाइप में। नेक्स्ट आइए भाई। बताइए भाई, ये भी बता चुका हूं, एक लाइन का बताया था, एक दिन जब क्लास खत्म हो रहा था, टाइम हो गया, तो मैंने बोला एक छोटा कंजंक्शन लिख लो, याद आ रहा है 25 नंबर, नहीं भी याद है तो टेंस पढ़ा होगा, बहुत पहले की बात है, याद करो वो दिन, टेंस में आपको पढ़ाया होगा, कौन सा कोई 25 ना, टेंस में आपको पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ाया था, रूल पढ़ाया था प्रेजेंट परफेक्ट प्लस सेंस प्लस पास्ट टेंस ऑफ कोर्स प्लस पास्ट टेंस, टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट का सबसे महत्वपूर्ण रूल वैसे है, मतलब सेंस के बाद यदि पास्ट निपटित हो तो सेंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करें, वही से तो क्वेश्चन बन रहा है। 10 इयर्स है पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट है, फिर दैट लिख दिया है और आगे आई रिटर्न पास्ट निपटित है, तो यहीं पर तो यह गलत किया है, तो सेंस को That को हटाकर सिंस करिए, इजी क्वेश्चन है, बी नंबर आंसर था, जिनका बी था सही। या टेंस में पढ़े हैं, कंजंक्शन में पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, टेंस में टेंस वाला पार्ट में गलती देगा, कंजंक्शन में सिंस वाले पार्ट में गलती देगा, बट चीजें वही है। नेक्स्ट आइए भाई, 26। ये ना यही लास्ट में उस दिन पढ़ा रहा था हरवड़ी में।